इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी का आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी दौरा, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की पहली जनसभा केरल के पलक्कड़ में सुबह 11 बजे होगी। बीजेपी उम्मीदवार और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन के लिए मांगेंगे वोट। केरल के बाद तमिलनाडु के धारापुरम में दोपहर 12:30 बजे पीएम की रैली, शाम 4:30 बजे पुडुचेरी में भी पीएम मोदी की जनसभा। पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, 1 अप्रैल को बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। आज पश्चिम बंगाल के दंगल में फिर उतरेंगे गृहमंत्री अमित शाह, दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में करेंगे रोड शो। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज फिर करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, खड़गपुर सदर, काकद्वीप, तारकेश्वर और नंदीग्राम में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज भी नंदीग्राम में संभालेंगे मोर्चा, सुबह 11 बजे करेंगे रोड शो, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अभिषेक बनर्जी ने साउथ 24 परगना के फाल्टा में सोमवार को किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच झड़प, कई लोग जख्मी हुए। वर्धमान में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आकर हालात को संभाला। ईस्ट मिदनापुर में अराजक तत्वों की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी, फौरन कार्रवाई करने की मांग की। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से की शुभेंदु अधिकारी की शिकायत, नंदीग्राम में चुनाव से पहले होटलों और गेस्ट हाउस में बदमाशों को ठहराने का इंतजाम करने का आरोप है। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन भी बंगाल चुनाव आयोग से मिला, दूसरे चरण के मतदान से पहले धारा 144 लागू करने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण भारत के बाद आज असम में संभालेंगे प्रचार की कमान, तारापुर, सिलचर, दीमा, हसाओ और कार्बी में करेंगे चुनावी रैली। तमिलनाडु के त्रिची में AIADMK विधायक आर चंद्रशेखर के ड्राइवर के घर IT की छापेमारी, 1 करोड़ रुपए जब्त हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हुए, उमर अब्दुल्ला ने टेस्ट होने के तक खुद को आइसोलेट किया। इमरान खान के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को भी हुआ कोरोना, रक्षा मंत्री परवेज खटक भी चपेट में आए। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान कोरोना पॉजिटिव, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 4th खिलाड़ी संक्रमित हुआ। महिला T20 टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी हुआ कोरोना, हल्के लक्षण के बाद खुद को किया होम आइसोलेट। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 56,211 लोग पॉजिटिव मिले, 24 घंटे में 271 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना केस में थोड़ी कमी आई, एक दिन में 31,643 पॉजिटिव केस मिले, 24 घंटे में 102 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सरकार के में सामने आए मतभेद, NCP के नवाब मलिक ने कहा दूसरा लॉकडाउन नहीं कर सकते बर्दाश्त, दूसरा विकल्प तैयार करें CM। CM उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को दूसरे लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा, 2 अप्रैल को हो सकता है आखिरी फैसला। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,904 नए मामले, 6 मरीजों की मौत। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 2,252 केस, 8 की मौत, एक्टिव केस 12,000 के पार है। पंजाब में एक दिन में 2,914 लोग बीमार मिले, 59 लोगों की जान गई, एक्टिव केस 2,583 है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2,323 नए केस सामने आए, 9 लोगों की कोरोना के वजह से जान गई। यूपी में एक दिन में कोरोना से 1,368 लोग पॉजिटिव मिले, 5 की मौत, एक्टिव केस 8,000 से ज्यादा है। बेंगलुरु में कोरोना के हालात ने बढ़ाई टेंशन, कर्नाटक सरकार ने 8 IAS अफसरों की एक कमेटी गठित की। कर्नाटक में अगले 15 दिनों तक रैली और प्रदर्शन नहीं होंगे, पार्टी और सेलिब्रेशन पर भी रोक है। कर्नाटक में अभी स्कूल और कॉलेजेस नहीं किए जाएंगे बंद, 15 दिनों में परीक्षाओं के खत्म होने के बाद किया जाएगा विचार। पीएम मोदी ने फोन कर शरद पवार की सेहत का हालचाल लिया, पवार ने ट्वीट कर मोदी को कहा शुक्रिया। शोपियां के 9 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में शीरी बारामूला इलाके में देखा गया, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फबारी की वजह से पिछले 5 महीने से बंद है राजौरी का मुगल रास्ता। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने पर बवाल, पुलिस पर भीड़ ने किया हमला, DPSP समेत 8 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया, धारा 307 दंगा फैलाने और आर्म्स एक्ट के तहत 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। कोविड नियम तोड़ने के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। होला मोहल्ला कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने के बाद हिंसा भड़की, उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। आंध्र प्रदेश के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर बेकाबू हुई भीड़, शीशे तोड़कर थिएटर में घुसे फैंस, भगदड़ में कई लोग जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में इंसानी शर्मसार हुई, नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित और आरोपी को रस्सी से बांधकर गांव में जुलूस निकाला गया, 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। यूपी के बागपत में होली के दौरान 2 गुटों में विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, 1 बुजुर्ग की मौत, कई लोग जख्मी हुए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कार और ऑटो में आमने सामने की टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 जख्मी, दोनों गाड़ियां जलकर खाक हुई। राजस्थान के डूंगरपुर के पहाड़ियों में लगी आग, 1 किलोमीटर तक फैली है आग, इलाके के लोगों में दहशत, दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 76 सालों में 29 मार्च को सबसे ज्यादा 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इमरान ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री हफीज शेख को पद से हटाया, काम से नाखुश थे, राजस्व मंत्री हम्माद अजहर देखेंगे उनका मंत्रालय।
म्यांमार में सेना ने किया एयर स्ट्राइक, दो की मौत, दो घायल, करीब 3,000 ग्रामीण भागे थाईलैंड। इंडोनेशिया में ऑयल रिफाइनरी में आग से दहशत, 500 लोगों को बचाया गया, तेज लपटों के साथ धमाके होते नजर आए। ब्राजील के विदेश मंत्री का इस्तीफा, कोरोना वैक्सीन की कमी के बाद छोड़ा अपना पद। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही आईपीएल की तैयारी में जुटे कोहली, जिम में प्रैक्टिस की, जारी किया वीडियो, लिखा नो रेस्ट डे। श्रीलंका के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने रचा इतिहास, एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई बने। 2021 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, वरुण धवन, राजकुमार राव, स्टारर रूही को पीछे छोड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।